महाराजा सूरज मल की। मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के बाहर से आए हुए तमाम हमारे समाज के तमाम नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, तमाम सम्मानित आगंतुकों का राजस्थान प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओ भैया, ओ रुक जा, बैठ। मैं प्रदेश के उन तमाम जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो एमपी हैं, एमएलए हैं या भूतपूर्व रहे हैं, समाज के तमाम लोगों का जो मंच के ऊपर विराजमान है, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं समाज के उन तमाम लोगों का जो हमेशा अपनी मेहनत से, अपने स्वाभिमान से, अपनी हिम्मत से समाज को हमेशा आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं और यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में पधारे हैं, उन तमाम युवा और बुजुर्गों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं राजा राम जी मील और इनके साथ में जिमाम तमाम जो आयोजक मंडल है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने समाज के लोगों को एक साथ आकर के एक जाजम के ऊपर अपनी समाज की अच्छाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की कुरीतियों को मटाने के लिए और समाज की जो वाजिब मांगे हैं उनको सरकारों के सामने रखने के लिए जो एक मंच दिया है, इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, मुद्दे की बात एक ही है कि हमारा समाज, हमारे समाज के, हमारे कौम के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं और खून पसीना एक करके जमीन को चीर करके, अन्न पैदा करके इस देश के लोगों का और विदेश के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं। ये हम मेहनतकश लोग हैं। हमारे समाज के नौजवान युवक जो वहां पर सेना में जाकर के और देश की सीमा के ऊपर हमारे देश की और हमारी सबकी रक्षा करते हैं, हमारे समाज के उन तमाम नौजवान और वरिष्ठ लोगों को भी और उन महापुरुषों को भी मैं याद करना चाहता हूं जिनके बलबूते के ऊपर समाज ने बहुत कुछ हासिल किया है, आर्थिक उन्नति की है, समाज में रेपुटेशन पाई है, अपनी मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़ने का काम किया है। उन तमाम शहीदों को भी और उन तमाम महापुरुषों को भी इस मंच के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, हम सब की ओर से, पूरे समाज की और प्रदेश की ओर से। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो आज मंच के ऊपर हम लोग बैठे हैं, उन मंच तक पहुंचाने में समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए कभी भी जब समाज के लिए किसी बात की आवश्यकता होती है तो उसको समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के पीड़ित व्यक्ति के लिए उसकी मदद हर संभव जो जिस रूप में है उसको करनी चाहिए और करता रहा है, तभी आज हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आज अच्छी प्रगति कर रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सब पूरे समाज के लोगों को बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दो बात कहकर के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि युद्धवीर जी भी आए हैं, टिकेत साहब भी आए हैं, तमाम एमपी साहिबान भी आए हैं, मंत्री साहिबान भी आए हैं, पूनिया जी भी आए हैं, तमाम लोग अपनी बात रखेंगे। दो बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं मेरे किसी भी कार्य से, किसी भी ऐसे एक्ट से कभी भी समाज का नाम नीचा नहीं होने दूंगा, ये संकल्प मैं भी लेता हूं और मैं सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि समाज का हो वो हर नौजवान हो, हर महिला, हर पुरुष, ये हमेशा संकल्प लेकर के चले
सुबह उठते ही कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े, ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिस ओहदे के ऊपर बैठा है, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर वो सही काम है तो ईमानदारी के साथ में अपनी पूरी शक्ति के साथ में उस समाज के व्यक्ति का कार्य करना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे चाहता हूं, कृपया हमारा समाज किसान समाज से जुड़ा हुआ है, किसान समाज कहलाता है, हर वर्ग के लोग उससे जुड़े हुए हैं, हर जाति संप्रदाय के लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम उनको सबको साथ लेकर के चलेंगे तभी हमारे समाज का कल्याण होगा, तभी उसकी वैभूदी होगी। सब समाज के लोगों को साथ में लेकर के हमको चलना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो युवा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आप हर समाज में से अपने समाज के अलावा एक न एक ऐसा दोस्त बनाइए जो दूसरे समाज का व्यक्ति दोस्त बनकर के आपकी हमेशा उस समाज में भी, जिस समाज का वो दोस्त बनाया है उसमें भी आपकी मदद करता रहे, तो आपके एक और एक 11 काम होंगे। अगर अपने समाज का दोस्त बनाया तो उससे ज्यादा दूसरे समाज के व्यक्तियों को दोस्त बनाने की आवश्यकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा समाज किसान की जो 3600 कौमों उसको साथ लेकर के हमेशा मदद में रहा है, जो प्रगति हमने की है सब जाति और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के की है, इसलिए इसी भावनाओं के साथ में हम सब जाति संप्रदाय वर्ग के लोगों को साथ लेकर के उनके कल्याण के लिए भी उतना ही काम करें जितना अपने वैभूदी के लिए और अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उतनी मदद हमको दूसरे समाज की भी करनी चाहिए। अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस हैसियत में हूं, मेरी पार्टी, मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी की विचारधारा के से ऊपर उठ करके भी मैं पहले समाज का हूं, समाज के साथ में खड़ा हूं। जो मेरी हैसियत बनाई है मुझे यहां तक पहुंचाने में जो मदद की है, मैं समझता हूं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जिस मुकाम के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूंगा, मेरी पार्टी की विचारधारा के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूं जिससे समाज का नुकसान हो। यह मैं संकल्प इस महाकुंभ में लेकर के जा रहा हूं कि समाज का नुकसान होने वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो जो भी काम हमारे संज्ञान में, हमारे मंत्रियों के, हमारी सरकार के संज्ञान में लाए गए हैं या लाए जाएंगे या लाए गए हैं, वो सारे के सारे काम हम, मेरे, हमारे तमाम पार्टी के जो हमारे समाज के नेता हैं उनको साथ लेकर के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि होने वाला समाज का काम बिल्कुल 101% होगा, इसमें किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा भाइयों, दो बात को ध्यान रखो, एक तो किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ एक मुंह से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, यह प्रण लेकर के हमको इस महाकुंभ से जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारे समाज में यह कमी है कि हम हल्ला करते हैं कि हम मदद करेंगे, तब तक दुश्मन आकर के वो मदद नहीं करने देता है और हमारे समाज के व्यक्ति की मदद नहीं होती है। इसलिए जिस किसी भी की न्यायोचित उचित जो मदद आप कर रहे हो वो बाला बाला कर दियो, आग लगी मदद हो जाएगी। अगर हल्ला करोगे तो दुश्मन सक्रिय हो जाएगा और दुश्मन सक्रिय हो जाएगा तो हमको वो फायदा नहीं होगा जो हम हमारे लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि सारे लोग समाज के लोगों को उन्नति करने के लिए सब जातियों को साथ रखना पड़ेगा, सबकी मदद करनी पड़ेगी और राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को जिस मुकाम पे, जिस दल में वो है, वहां पर जिस रूप में भी सबको साथ लेकर के समाज के पीड़ित व्यक्ति की
समाज के पिछड़े व्यक्ति की, समाज के जरूरतमंद व्यक्ति की हम लोग मदद करें, इसी उद्देश्य को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के हम आज चलें और निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। समाज प्रगति करे, समाज उन्नति करे, समाज के युवा ज्यादा से ज्यादा सबल बने, सक्षम बने, शिक्षित बने, ये सब हमका ध्येय होना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए जहां जिस रूप में भी योगदान की आवश्यकता होगी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सबने बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। राम राम साहेब, जय वीर तेजाजी महाराज।